अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड स्टार अकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। तो जो बच्चा आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के बैच से जुड़ना चाहता है वो चौक एंड स्टार अकेडमी के बैच से जुड़ सकता है। ज्यादा मालूम के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मोइन एहसन जज्बी। मोइन एहसन जज्बी की पैदाइश 1912 ईस्वी में और मोइन एहसन जज्बी की वफात 2005 ईस्वी में हुई। मोइन एहसन नाम जज्बी तखल्लुस था। मुबारकपुर जिला आजमगढ़ में पैदा हुए। झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करने के बाद बगर्ज़ मुलाजिमत मुख्तलिफ शहरों में रहने का मौका मिला। बहैसियत उर्दू उस्ताद शोबे उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता हुए और वहीं से सुबकदोश होकर अलीगढ़ में ही मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। शायरी का शौक बचपन से था। फिरोजा, सुखन मुख्तसर और गुदाज शब शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं। हाल ही का सियासी शऊर उनका तहकीकी मुताला है। इनका शुमार मुमताज तरक्की पसंद शायरों में होता है। अकबाल एजाज, गालिब अवार्ड, मीर अकादमी लखनऊ और यूपी उर्दू का अकादमी के अलावा दीगर कई इनामात और एजाजात उन्हें मिल चुके हैं। उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ और वहीं तदफीन अमल में आई। मोइन एहसन जज्बी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे मोइन एहसन का असल नाम जो है वो मोइन एहसन है और तखल्लुस उनका है जज्बी और इब्तदाई तखल्लुस जो है वो है मलाल। पैदाइश इनकी 1912 ईस्वी आजमगढ़ में हुई है और वफात 2005 ईस्वी अलीगढ़ में हुई है और इनके वालिद का नाम जो है वो है एहसनुल गफूर। और मोइन एहसन जज्बी तरक्की पसंद शायर थे। मोइन एहसन जज्बी फानी जिगर हसरत से मुतासर थे। मोइन एहसन ने अपनी शायरी का आगाज 1929 ईस्वी में किया। जंग आजादी के मौके पर फैज अहमद फैज और सज्जाद जहीर को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसी से नाराज होकर उन्होंने जुर्म बेगुनाही नज्म लिखी। कौन सी नज्म लिखी? जुर्म बेगुनाही। और उनकी दो नज्में बहुत अहम हैं। पहला है तवायफ, इसमें कुल 7 अशार हैं और जो तवायफ है एक मुख्तसर नज्म है और दूसरा जो है वो मौत है और मौत का जो मौजू है वो है जिंदगी। मौत का मौजू क्या है? जिंदगी है, क्योंकि अगर जिंदगी है तो मौत का आना लाजमी है। और इनकी जो और नेक्स्ट नज्म जो है वो है नया सूरज, चश्मे सवाल, मेरा माहौल। मोइन एहसन जज्बी के शेरी मजमूए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है फिरोजा, ये 1943 ईस्वी में लाहौर से शाये होती थी। और दूसरा है सुखने मुख्तसर, तीसरा है गुदाजे शब। इन तीनों शेरी मजमूओं को कुलियात जज्बी के नाम से 2006 में साहित्य अकादमी नई दिल्ली से उनकी मौत के बाद शाये किया। एक कॉल है मोहम्मद हसन, उन्होंने जज्बी को सुलगती हुई आतिशे रफ्ता कहा है। मोइन को क्या कहा है? सुलगती हुई आतिशे रफ्ता कहा है। मोइन एहसन जज्बी को बागी शायर कहा जाता है। 1956 में अलीगढ़ में अंजुमन तरक्की पसंद की बुनियाद पड़ी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह।